भागलपुर जिला परिषद सभागार में साल की पहली सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से सवाल किए। वहीं बैठक के दौरान कई विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर निकाल दिया और साफ तौर पर कहा कि बैठक में अधिकारी का आना जरूरी था, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके लिए सदन उन लोगों से नहीं आने का कारण पूछते हुए एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज अनुपस्थित रहे पदाधिकारी उस बैठक में पहुंचकर जिला परिषद सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे और कहां पर कार्यों में परेशानी हो रही है उसको बताएंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों को लेकर कई तरह के सवाल सदस्यों के द्वारा उठाए गए, जिनका जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। जिला परिषद में प्रत्येक तीन माह में सामान्य बोर्ड की बैठक होती है और सारे विषयों पर, सारे 29 विषयों पर हम लोग की चर्चा होती है। जिले में चल रहे सभी विभागों की समीक्षा की जाती है और जो है आज हमारे लोकप्रिय सम्मानित अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महफूज आलम साहब, हमारे उपाध्यक्ष लोकप्रिय पीरपैंती से क्षेत्र से आते हैं प्रणब बाबू, हमारे जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह जी और सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सदस्य, सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो पदाधिकारी नहीं आए उनसे स्पष्टीकरण ये सदन पूछने का काम किया। स्पष्टीकरण देते हुए भी विशेष बैठक में फिर उनकी बैठक होगी, उनकी अलग से बैठक फिर ली जाएगी उसके लिए। और जो चर्चा हो रही है बहुत ही बारीकी ढंग से चर्चा हो रही है, सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में सद्भाव का बना करके अपने बारी बारी से अपने विचारों को रख रहे हैं, उनके उनके काम को गुणवत्तापूर्वक जो बताते हैं, जो हमारे सम्मानित सदस्य पूछते हैं उस सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या था इसमें? सारे विषयों पर चर्चा होती है, जैसे शिक्षा हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, सभी विषयों पर चर्चा हो, जो काम चलती है पूरे भागलपुर जिला के अंतर्गत उसी की चर्चा होनी है, उसकी चर्चा होती है। उसके बाद जिला परिषद में चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी होती है। तो हम लोग अभी बारी बारी से अभी तीन विषय पर चर्चा हो रही है, फिर भोजनावकाश का टाइम हो गया है, फिर भोजन करके पुनः फिर हम लोग जो है सदन में उपस्थित होंगे। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खनन विभाग एवं जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही पीपी की मासिक बैठक की गई, उसके बाद आगामी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के तहत बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाए जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर सहित कई पदाधिकारी एवं सभी थानों के थाना अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मौजूद थे। भागलपुर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में आम सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहर में भी 3,00,000 हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रधानमंत्री को मार्च में सौंपा जाएगा। वहीं इन लोगों ने कहा कि चीन की आबादी से भी ज्यादा भारत की आबादी हो चुकी है और इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान युवा समाज सेवी विजय यादव, संतोष शाह ने अपनी अपनी वार्ता में कहा कि जनसंख्या संतुलन के कारण देश में कई तरह की परेशानियां आएंगी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर अन्य परेशानी, इससे पूरे देश को जूझना पड़ेगा। जनसंख्या एक चुनौती बन गई है और इसका निराकरण करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष मनीष दास, मीडिया प्रभारी इंदु भूषण, संजीव सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। ये सभा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। आप दो दिन पूर्व भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर एक बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। ऐसा देश जिसका विभाजन जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, आज जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण पुनः विभाजन की स्थिति ना बने,
विश्व का मात्र 2.4% भूभाग, 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हैं, और ये जो 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने के नियत से जो कुछ भी हो रहा है, वो आप करें या मैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत है। अभी इसके समर्थन में देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, और वो हस्ताक्षर अभियान दक्षिण बिहार में भी है। प्रत्येक जिले में 1,00,000 हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य है, और मुझे कल बताया गया है कि भागलपुर जिला कम से कम 2-3 लाख हस्ताक्षर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर करवाएगा। इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा कर पाएंगे। तो यही कहना है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, और जो उस कानून को न माने, यानी कानून बनने के बाद 1 वर्ष के बाद जो अधिक संतानोत्पत्ति करें, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, और फिर भी अगर ना माने तो उठा के दंपत्ति की कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। आप यहाँ अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश के लोकतंत्र को कब्जाने के प्रयास कोई ना करे। धन्यवाद। ये जनसंख्या फाउंडेशन कानून जो अपने भारत में जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण के लिए जो है एक जनसंख्या फाउंडेशन कानून बनना चाहिए भारत में। और जिस तरह आबादी जो है दिनों प्रतिदिन दोगुना तिगुना चौगुना लगातार ये बढ़ रही है, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ जाती है, अभी आप सर के माध्यम से पता चला है कि एक दो तीन दिन पहले पता चला कि चीन से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो ये देखने की बात होती है कि जो क्षेत्रफल होता है चीन हम इंडिया से काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया में जो है जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, ये आने वाला समय में हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या फाउंडेशन कानून बनना बहुत ज़रूरी है। भागलपुर जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय बिहार राज्य टीम शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भागलपुर लोकसभा के सांसद अजय मंडल थे। उन्होंने शतरंज को दिमाग तेज करने वाला खेल बताया। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर वो अत्यधिक प्रसन्न थे। सांसद महोदय बहुत देर तक बैठ कर खेल का आनंद लिए। उन्होंने जिले में खेल के विकास के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर योगेंद्र महतो ने कहा कि खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उसमें भी शतरंज बुद्धि का खेल है। इसका आरंभ भी रामायण काल से ही माना जाता है। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह तथा विजय कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की 23 टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, संघ के सचिव विश्वबंधु उपाध्याय, अजय मिश्रा, पल्लवी शुभम, आनंद नटवर, मुकुंद अभिमन्यु कुणाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर की कुल 60 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। भागलपुर ए की टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है, बांका की टीम को 4-0 से हराया है। भागलपुर में चेस प्रतियोगिता, चेस के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के रूप में उनको लाया गया है। यहाँ चेस प्रतियोगिता में, शतरंज प्रतियोगिता में हमारे जिले के एक विख्यात डॉक्टर जो हमारे बगल में है, अजय कुमार सिंह जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे प्रतियोगिता जो कि मानसिक विकास के लिए होता है, उस प्रतियोगिता का डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिए। और कहा जाता है कि पतझर के बाद अब नए पत्तों का वृक्षों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हमारे डॉक्टर साहब अजय बाबू ने 10 साल का गुजरा हुआ जो शतरंज का पत्ता सूखा हुआ था, आज इन्होंने फिर उन्हें उन पत्ते को हरियाली पर, उन खेल को हरियाली पर ले आए हैं। का महाकुंभ है और पूरे बिहार से शतरंज के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा इनमें देख रही है। मुरझाए हुए चेहरा खिल उठे हैं। खास करके यहाँ जो शतरंज के अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जिन्होंने पुनर्गठन किया शतरंज में एक खेल का, महासंघ का, और उसे हमें अध्यक्ष बनाया, तो इन सारे खिलाड़ियों की ऊर्जा देखते ही बनती है। और जो बिहार के कोने कोने से यहाँ आए हैं आज शतरंज स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए, इनमें भी एक आशा जगी है। और यहाँ के बाद ये चेन्नई जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलेंगे।
तो यह जो खेल होता है चाहे कोई भी खेल हो, यह मानसिक रूप से इसको समझा जाता है, पेशेंस का गेम समझा जाता है, चाल बहुत सोच समझकर जिंदगी में चलना चाहिए यह सिखाता है। तो ऐसे खेल का जो आगाज हुआ है वो बहुत अच्छा है और हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम इसको सबों के साथ, जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, यहाँ के हमारे MP साहब हैं, विजय जी, इसके जो आयोजक हैं, जो हर काम में आगे रहते हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं, विजय यादव जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने आगे बढ़कर इसमें आर्थिक मदद और शारीरिक मदद दोनों तरह से किया। तो इस तरह से सारे खिलाड़ियों और ये राजस्तरीय है और राजस्तरीय ये भागलपुर को मेजबानी मिला है, ये एक गर्व की बात है पूरे भागलपुर वासियों के लिए। और साथ साथ जो इनके जो एसोसिएशन बना है भागलपुर में 10 साल बाद, उनके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अजय कुमार सर हैं और उनकी अगुवाई में ये सारे प्रतियोगिता हो रहे हैं। तो ये एक गर्व की बात है कि ऐसे डॉक्टर जो कि हमेशा समाज के बीच बने रहते हैं, वैसे डॉक्टरों को इनका मेजबानी करने को मिला है। तो जरूर है कि यह खेल बहुत आगे जाएगा और यहाँ से खेल कर जो नेशनल खेलने के लिए जो भी मतलब जाएंगे यहाँ से प्लेयर लोग, चेन्नई पूरे भागलपुर का नाम होगा कि भागलपुर से चयनित होकर जो है वो खिलाड़ी नेशनल खेलने के लिए आए। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के मलिकपुर पंचायत अंतर्गत मलिकपुर निवासी विकास पासवान और राधे पासवान की जमीन पर जबरन सरकारी रोड बनाया जा रहा है। जब पीड़ित परिवार अंचलाधिकारी के पास इसकी शिकायत करने जाते हैं तो अंचलाधिकारी महोदय उसे थाना भेज देते हैं। जब वो थाना जाता है तो थानेदार कहता है कि हमारा काम नहीं है, आप अंचलाधिकारी के पास जाइए। वहीं जब इसकी सूचना लोक शिकायत अदालत में दी गई तो लोक शिकायत अदालत का आदेश हुआ कि आप इस जमीन पर खेती बाड़ी कीजिए या आपकी जमीन है। वहीं पीरपैती अंचलाधिकारी कहते हैं कि यह जमीन आपको सिर्फ 30 वर्ष के लिए दिया गया था, अभी आपका जमीन नहीं है। अगर यदि इस जमीन पर आकर के दखलंदाजी करेंगे तो सबको जेल भिजवा देंगे। वहीं इस जमीन पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोकने की जब बात की गई तो स्थानीय मुखिया ने कहा कि आप हमें इस काम को रोकने के लिए नोटिस दिलवा दीजिए, हम काम रोक देंगे, नहीं तो यहां पर सड़क बनेगा। वहीं इस जमीन के जो मालिक है उनका कहना है कि यदि हमारे जमीन पर सड़क बन जाता है तो हमारा लगभग 10 से 15 कट्ठा जमीन सड़क में चला जाएगा। क्या नाम हुआ अच्छा? मेरा नाम राधे पासवान है, पिता का शंकर पासवान नाम है। घर मलिकपुर है। आप सबका जो जमीन मिला है ये सरकार के तरफ से दिया गया था? जी सर, ये सरकार के द्वारा दिया था, वनबस्ती जमीन दिया था। हाँ। और उस जमीन में हम लोग खेती बाड़ी भी करते थे। मतलब अब क्या ऐसा प्रॉब्लम क्या आ गया? अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि पीछे उसी जमीन के अंदर में कूड़ादानी बनाया है। हाँ। जो कि BDO और मुखिया बनवाया है। हाँ। उसके लिए वो रास्ता जो है कि हमारा 14 या 16 फीट का रास्ता यहाँ से वहाँ तक ले जाना चाहता है, जिसमें कि हमारा 10 से 12 कट्ठा लगभग जमीन जो है कि वो रास्ता में चला जाएगा। रोकने के लिए जाते हैं तो अंचल भेजता है, अंचल थाना भेजता है। मतलब दोनों सिर्फ भेजने का काम, दोनों यही काम करता है हमको। उसके साथ में रामानंद नरबुची पासवान को लड़ाया जाता है कि ये जमीन तुम्हारा है। BDO बोलता है कि तुमको 30 साल के लिए जमीन दिया था, जमीन तुम्हारा अवधि खत्म हो गया। और उन लोग का जमीन का भी अवधि खत्म नहीं है, जबकि वो लोग एक ही साथ में 15 आदमी को ये चिट्ठा मिला हुआ था। लेकिन मतलब सरकार का दिया हुआ भी ये BDO साहब सब नहीं मानते, नहीं मान रहा। और आपने लोक अदालत में भी किया था, क्या जजमेंट आपका? जजमेंट मिला है कि क्या मिला है जवाब? उसका जजमेंट मिला कि अपने जमीन पर जाकर खेती बाड़ी करो और अपना कृषि काम करो। ये CEO या BDO को दिखाए? दिखाए, वो दिखता ही नहीं, बोलता है कि वहाँ का हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लोक अदालत से भी वो बड़ा हो गया? नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है CEO साहब का? CEO साहब का चंदन कुमार चक्रवर्ती है। तो BDO है? हाँ, वो BDO CEO दोनों है। दोनों है, दोनों भार है इसमें। ठंड से जूझ रहे गरीब लोगों के बीच भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 32 के पूर्व पार्षद हंसल सिंह ने कंबल का वितरण किया। हंसल सिंह ने बताया कि अपने जन्मदिन के मौके पर वो हर साल गरीबों के बीच कंबल का वितरण करते हैं। उसी परंपरा को जारी रखते हुए इस बार भी 140 कंबल का वितरण किया गया है। हंसल सिंह पिछले 5 साल तक वार्ड नंबर 32 के पार्षद रहे और अभी हालिया हुए नगर निगम के चुनाव में इस बार वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर गरीबों के बीच कंबल बांटना वो नहीं भूले और इस बार बढ़ते ठंड को देखते हुए उन्होंने हर बार की तरह गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं कंबल मिलने के बाद जरूरतमंद
काफी खुश दिखे और हंसल सिंह को आशीर्वाद दिया। मौके पर हंसल सिंह ने कहा कि जब तक उनमें शक्ति रहेगी तब तक वो अपने तरफ से हर वर्ष जन्मदिन पर गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करते रहेंगे। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, कंबल वितरण नहीं कर सके, लेकिन आज अपने वार्ड में तथा अपने सारे सफाई कर्मचारी को मैंने कंबल का वितरण किया। लगभग 140 लोगों को मैंने कंबल दिया। प्रत्येक भांति हर साल मैं 3 जनवरी को कंबल वितरण करता हूँ, इस बार भी मैंने कंबल वितरण किया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में उनकी वैस में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कॉलेज के सभी हॉस्टल इंचार्ज के साथ बैठक की गई। इस बैठक में हॉस्टल से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके समाधान के लिए बातें रखी गई। वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्या को सुनकर उनके समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए। इस संबंध में डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हॉस्टल की सारी कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैसे छात्र जो पास आउट हो चुके हैं वो अवैध रूप से हॉस्टल पर कब्जा किए हुए हैं, उनको हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि वो हॉस्टल खाली नहीं करते हैं तो वैसे छात्र छात्राओं पर FIR किया जाएगा और उसका सर्टिफिकेट भी निरस्त कर दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं हॉस्टल ठीक ठाक हो, लेकिन कई स्तरीय लापरवाही है। एक तो यह है कि लड़के जो अवैध हैं वो भी रहते हैं, तो जो संसाधन होता है उसी में बंटवारा होता है, और जो बाहर का लड़का रहता है वो संसाधन को समझता भी नहीं, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कई स्तरीय काम किया था और अभी ही तय हुआ है कि उस पर सो कॉल किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 2 दिन में पत्र प्राप्ति के बाद आप बताइए कि क्यों वहां आप रह रहे हैं, और नहीं तो नामांकन और ये सर्टिफिकेट दोनों रद्द कर दिया जाएगा। अगर नामांकन होगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट होगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा। ये निर्णय भी लिया गया है। वैसे विश्वविद्यालय में अंदर भी थोड़ी कमजोरी है, कंटीजेंसी का ना होना, उसका अभाव होना, ये सब भी एक बड़ी समस्या है। तो कुलपति आते हैं, उनके साथ एक बैठक हम लोग करने का प्रयास करेंगे और इसको आगे ठीक ठाक करने का की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, इसके पूर्व यह निर्णय लिया गया था जो कि अवैध रूप से रह रहे छात्र उसको हटाने को लेकर के लिया गया था। एक पहले जो मेरा टर्म था उसमें हमने खाली करवा दिया। ये 2-2.5 महीने हमको आयोग हुआ है और इसमें बहुत सारे लड़कों ने हॉस्टल खाली किया है। कुछ लड़के बाकी हैं जिस पर FIR होना है, जिस पर इसका प्रमाण पत्र रद्द होना है। कुलपति से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप एप्लीकेशन बनाइए, हम उसको रद्द करें। तभी कैसे किस तरह के मतलब वहाँ पे छात्र रह रहे हैं? कुछ लड़के हैं जो बाहर के हैं वो रह रहे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो पास कर चुके हैं वो बने हुए हैं, इसी तरह के लड़के हैं। भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर पुनीत सागर अभियान के तहत 23 बिहार बटालियन NCC के छात्र छात्राओं के द्वारा गंगा घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान NCC के 60 से अधिक बच्चों और बच्चियों के द्वारा घाटों पर पड़े पन्नी और गंदगी को साफ कर स्वच्छ करने के साथ साथ पूरे घाट एरिया में झाड़ू लगाकर स्वच्छ किया गया। इस दौरान NCC कमांडर के द्वारा NCC कैडेटों को बेहतर सफाई करने को लेकर कई तरह के टिप्स भी दिए गए। वहीं NCC कैडेटों ने आम लोगों से अपील की है कि वो गंगा के किनारे घाटों पर सफाई रखें और प्लास्टिक का उपयोग यहां पर ना करें, जिससे गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखा जा सके।